हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर का मैं पार्ट नंबर सेकेंड कुर्ग चैप्टर का एक एक शब्द का हिंदी में अनुवाद कवर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुर्ग इज काफी कंट्री, कुर्ग एक काफी वाला देश है, फेमस जो प्रसिद्ध है फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट्स, अपने जंगल अपने वर्षा बनो। कुर्ग इज काफी कंट्री, कुर्ग एक काफी वाला देश है, फेमस जो प्रसिद्ध है फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट्स एंड स्पाइसेस, अपने वर्षा बनो और मसालों के लिए। कुर्ग एक काफी वाला देश है जो वर्षा बनो और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर, मैसूर और मंगलोर के कस्बों के बीच में सीट्स अ पीस ऑफ हिवेन, स्वर्ग का एक टुकड़ा स्थित है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जो अवश्य ही लाया गया होगा फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के राज्य से, जो अवश्य ही भगवान के राज्य से लाया गया होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, इस घुमावदार पहाड़ियों में इज इनहैबिटेड, निवास करते हैं बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मैन, अत्यधिक लड़ाकू लोग। ब्यूटीफुल ओमेन, खूबसूरत औरतें। एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और जंगली जीव। कुर्ग और कोडागू, कुर्ग अथवा कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन, जो वर्षा बनो मसालों और काफी बागानों का घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वन कवर ढके हुए है 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस जिले के 30% भाग को, अर्थात इस जिले का 30% भाग, अर्थात इस जिले का 30% भाग हरे भरे वनों से ढका हुआ है। ड्यूरिंग द मानसूनस, मानसून के समय में इट पोर्स एनफ, यहाँ काफ़ी वर्षा होती है, टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, जिससे बहुत से दर्शक दूर रहते हैं, बहुत से भ्रमणकारी वहाँ आते जाते नहीं हैं। द सीजन ऑफ जॉय, आनंद की ऋतु कमेंसेज, प्रारंभ होती है फ्रॉम सितंबर से एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक चलती है, यानी कि जो आनंद की ऋतु है वह सितंबर से शुरू होकर के मार्च तक रहता है। द वेदर इज परफेक्ट, मौसम अच्छा होता है, विथ सम शोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मीजर्स, अच्छी द वेदर इज परफेक्ट, मौसम अच्छा होता है, विथ सम शोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मीजर, पर्याप्त मात्रा में बारिश होने से मौसम अच्छा होता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग काफी, यहाँ की हवा में काफ़ी की खुशबू आती है। काफ़ी स्टेट्स एंड कैलोनियल बंगलोज, काफ़ी स्टेट और उपनिवेशी बंगले स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैपोनीज इन प्राइम कार्नर, बड़े वृक्षों की छाँव में खड़े रहते हैं। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के अत्यधिक स्वतंत्र लोग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक आर अरबिक डिसेंट्स, संभवतः यूनान अथवा अरब के वंशज हैं। एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी बतलाती है, अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी, सिकंदर की सेना का एक भाग मूव्ड साउथ एलांग द कास्ट, दक्षिण की तरफ चला गया, एंड सेटल्ड हियर, और वहीं पे शादी कर लिया, एंड सेटल्ड हियर, और वहीं पे बस गया। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब लौटना अव्यवहारिक हो गया। दीज पीपुल, ये लोग मैरिड एमंगस्ट द लोकल्स, स्थानीय लोगों से शादी कर लिए, एंड देयर कल्चर इज एपारेंट इन द मटेरियल ट्रेडिशंस, और उनकी संस्कृति अत्यधिक लड़ाकू, मैरिज शादी करना, एंड रिलीजियस रीतिज और धार्मिक है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू मुख्य विचारधारा से अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्राज सपोर्ट फ्राम द
लॉन्ग ब्लैक कॉस्ट विथ एन एम्ब्रॉयडेड वेस्ट बेल्ट ऑर्न बाय द कोडागू नोन एज कूफिया इट रिजेंबल्स द कूफिया ऑर्न बाय द अरब एंड द कूर्स। कोडागू, देखिए खूब ध्यान से इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। कोडागू लोगों द्वारा पहने जाने वाले कमरबंद के साथ जो कूफिया के नाम से जाना जाता है, अरबियों एवं कुर्गों द्वारा पहने जाने वाले कूफिया जैसे होते हैं, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं कि उनका स्रोत अरब है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, कुर्गी लोगों के घरों में मेहमान नवाजी की परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग, एंड दे आर मोर देन विलिंग, और वे अत्यधिक इच्छुक रहते हैं टू रिकाउंट नंबर्स टेल्स, अनेकों कहानियां सुनाने के लिए ऑफ बल्योर बहादुरी की, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, अपने पुत्र और पिता से संबंधित, अर्थात वे अपने पुत्र और पिता से संबंधित बहादुरी की अनेकों कहानियां सुनाने के लिए अत्यधिक इच्छुक रहते हैं। द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, कूर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सबसे अधिक सुसज्जित रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और भारतीय सेना के प्रथम चीफ जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी, एक कुर्गी थे। इवन नाउ, आज भी कोडागू आर द ओनली पीपुल इन इंडिया, भारत में केवल कोडागू लोगों को ही परमिटेड, अनुमति है टू कैरी फायर आर्म्स, हथियार ले जाने की, विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के, अर्थात आज भी केवल कुर्गी लोगों को ही बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्टेड टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, अत्यधिक आराम करने वाले लोग की जीवन एडवेंचर, साहसिक कार्य करने के लिए बन गया। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, अत्यधिक आराम करने वाले लोग बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स, अत्यधिक साहसिक कार्य करने वाले बन जाते हैं विथ रिवर राफ्टिंग, जैसे कि लकड़ी का नाव खेना, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक रैपलिंग, पहाड़ों पे चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग, पर्वतों पे चढ़ना एंड माउंटेन बाइकिंग, और पहाड़ों पे मोटरसाइकिल चलाने जैसे साहसिक कार्य करने वाले बन जाते हैं। नंबर्स वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन्स, इस क्षेत्र में अत्यधिक पगडंडियां आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स, बैलगाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बैलगाड़ी चलाने वालों के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रिय है। एक पैराग्राफ तो और बाकी है कि नहीं होगा धुंधा। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपेनी, पक्षियां, मधुमक्खियां और तितलियां वहां पे आपका साथ देने के लिए हैं। मैकाक्स, मालाबार स्क्वायलर्स, मैकाक बंदर, मालाकार्स स्क्वायरल, ये गिलहरी का नाम है, लंगूस एंड सिलेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, वे वृक्षों की छांव में से, यानी कि उनके ऊपर चढ़ के उसके छतरियों में से निगरानी रखते रहते हैं। हाउएवर, फिर भी आई डू प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, फिर भी मैं जंगली हाथियों से दूर रहना पसंद करता हूँ। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यूज ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। खूब ध्यान से देखिए, विभिन्न पगडंडियां इस इलाके में बैलगाड़ी की सवारी करने के वालों के लिए प्रिय हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चलने से कुर्ग की धुंध से धरती का नजारा दिखाई देता है। टू क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यूज ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप, वहां की ऑफ कुर्ग, कुर्ग की थोड़ा सा देखो डाल दे आसाम की बना।
इसका बनाओ।